झारखंड की उपराजधानी दुमका के नक्सल प्रभावित शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के पत्ताबाड़ी में एक मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पत्ताबाड़ी में फरवरी 2021 से चल रहे राधे रिबोरिंग नामक दुकान में अवैध तरीके से हथियार बनाने का काम होता था और फिर बनाए गए हथियार को बिहार में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री को सील कर दिया है और मौके से 24 अर्धनिर्मित पिस्टल, 17 पीस बैरल, 60,000 रुपए नगद, एक स्कूटी, 3 मोबाइल और हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लेथ मशीन, ग्रेंडर मशीन, ड्रिल मशीन, जनरेटर सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सभी आरोपी बिहार के मुंगेर और लखीसराय के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस मिनी गन फैक्ट्री में बनाए गए हथियारों की अब तक 6 से 7 खेप बिहार में सप्लाई किया जा चुका है। गुरुवार को सदर SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने कहा है कि बुधवार को एक गुप्त सूचना पर पत्ताबाड़ी में पिछले 8 महीनों से चल रहे राधे री बोरिंग दुकान में पुलिस ने छापेमारी की है। दुकान में अवैध ढंग से हथियार बनाकर उसे बेचने की सूचना मिली थी। SDPO ने कहा है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भाग रहे 3 युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 60,000 रुपए नगद सहित भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और पिस्टल का बॉडी, बैरल और हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली मशीन को जब्त कर लिया है। SDPO ने कहा है कि इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री में तैयार एक एक पिस्टल को 2,000 से 500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक बेचा जाता था। आरोपियों में बिहार के मुंगेर के अरुण कुमार एवं मैसर और लखीसराय के रणधीर कुमार एवं नीलेश कुमार शामिल हैं। कल दिन के 11 बजे के करीब शिकारी पड़ा थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर साहब हैं साकिब तनवीर खान, उनको गुप्त सूचना मिली कि राधे रिवोरिंग नामक दुकान एक है, लेथ मशीन रखे हुए है और वहाँ पे अवैध जो है कि हथियार निर्माण करते हैं और वो जगह जगह पे खास करके बिहार में सप्लाई करते हैं। और उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने छापेमारी किया और वहाँ हम लोगों को निर्मित और अर्धनिर्मित कुल मिलाकर के 24 पिस्टल बरामद हुए हैं और उसमें हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों पे केस दर्ज किया गया है, एक मुंगेर का है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से 60,000 रुपया, 24 पिस्टल, एक स्कूटी, लेथ मशीन हम लोग जब्त किए, ड्रिल मशीन है, जनरेटर है, ग्लेंडर मशीन है, इससे संबंधित जो भी इक्विपमेंट सहयोग में लाते हैं सभी को हम लोगों ने जब्त किया है। 4 लोगों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कहाँ के ये रहने वाले हैं? ये उसमें से एक 2 मुंगेर के और 2 जो है कि लखीसराय के रहने वाले हैं। 3 मुंगेर मामला क्या है सर, पूरी कहानी? ये इन लोगों का कहना है कि फरवरी से ये लोग इसको शुरू किए थे। इन लोग जमुई में पहले काम करते थे और वहाँ से आकर के यहाँ पे रेंट में एक मकान लिए थे किराए का, उसी में सारा मशीन इन लोगों ने लगाया था, लेथ मशीन वगैरह, और उसी में मुंगेर के लोग थे और लखीसराय के हैं। ये लोग यहाँ हथियार बनाते हैं और फिर इसको बिहार से एक डबला से एक बीच बीच में आते हैं, एक मयसर हुसैन है वो भी आते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। सर कितने में बिकता था एक पिस्टल बनाने में? एक पिस्टल तो इन लोगों का कहना है कि करीब 2500 से 3000 के आसपास इन लोग बना के देते थे और अभी हम लोगों ने 24 पिस्टल जब्त किया है। पिछले 15 दिन पहले फिर इन लोग इस तरह से 25-30 दिए थे। कितना खेप चला गया? तो फरवरी से कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि इन लोग पूछताछ में आ रहा है कि 5-7 खेप गया है। सब बेचता कहाँ ना? कुछ कुछ लोग आते थे, इन लोग के संपर्क में थे जो आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे हथियार। सर दुमका जैसे अब शहर में और नहीं, चुनौती तो है लेकिन जैसे हम लोग को जानकारी मिलती है किसी भी कांड या कोई भी क्राइम हो, हम लोग उद्भेदन भी करते हैं और इस तरह का
कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए हम लोग निगरानी भी रखे हुए हैं और उम्मीद है कि आगे इस तरह की बात सामने नहीं आनी चाहिए। और जहाँ भी